सरमद भाई वहाँ बात कर रही हूँ, मुझे अचार गोश्त की आसान सी रेसिपी तो बता दे कोई। फिर आ गए अब्बा को लल्लो चप्पो करने। बेल दुरुस्त करवाने को कहा था, कहो तो दिमाग भी दोबारा दुरुस्त करवा सकता हूँ तुम्हारा। ओए चैटर बॉक्स, ये धमकियां किसी और को देना, मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से। हाँ तुम तो खड़े खड़े चार बंदों को डरा सकती हो अपने इन चेहरों के खौफनाक तासुरात के साथ। तुम्हें अपने घर में सुकून क्यों नहीं, आज मुझे बता ही दो, क्यों जब से पैदा हो यही घूमे जा रहे हो? ये दुनिया गोल है इसलिए बार बार नजर आता हूँ तुम्हें। अच्छा आदम। जी सर। बेल ठीक हो गई बेटा? जी जी ठीक हो गई, और कुछ काम है तो बता दें। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। ओके जी। वैसे सर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? नेहा चैंपियन अचार गोश्त बना रही है, दावतें आम है, आ जाना रात को। बल्कि ऐसा करना कि सुल्तान को भी साथ ले आना। अरे वाह, मुझे तो अचार गोश्त बहुत पसंद है, अब रेस्टोरेंट से होकर आता हूँ। ओके ओके जी। जलना गई हो तो कोयला कढ़ाई बन गई। जल गया? हाँ, मैं तो ये लेने गई थी। बहन कौन इस तरह गोश्तों के लिए छोड़ के जाता है? पहली बार गला रही हूँ ना इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त को गला दिया। हाँ भूल गई थी ना। लेकिन अब्बा नहीं भूलेंगे हमारी लाइव इंसल्ट का नजारा करवाने के लिए। अभी से कह रही हूँ हेलमेट पहन लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा ने पड़ोसियों को बुलाया रात के खाने के लिए और ग्रैंड पार्टी होगी अचार गोश्त की। ओ मेरे खुदाया, बज गई खतरे की घंटी। चिकन जल गया? हाँ। क्या मतलब? मुझे तो लगा आप दोनों के दिल जल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा चिकन ही जल गया। अब क्या करेंगे? प्लान भी है क्या? हर घड़ी तैयार हो कामरान है हम अब्बा से इंसल्ट करवाने के लिए। लेकिन अब्बा ने सुल्तान अंकल को भी रात के डिनर के लिए इनवाइट किया है। तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं कुछ सोचती हूँ, जाओ यहाँ से। अब जो सोचेंगे ना वो अब्बा ही सोचेंगे। मैं जरा फिर से 500 नफल के मन्नत मांग के आऊँ। मुझे भी घबराहट हो रही है, मैं तो दद्दू के पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। समर भाई आपने जो रेसिपी बताई थी ना वो सारी जल गई। महा डोंट वरी, मैं हूँ ना। प्लीज कुछ करें अब्बा, वरना टांगे तोड़ देंगे हमारी। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, फिक्र मत करें आप। थैंक यू। अच्छा सुने, आप आदम से कुछ मत कहेगा क्योंकि मेरे और आपके आपस की बात है। बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे और आपके बीच में और कोई नहीं आएगा। अच्छा मैं रखता हूँ। ये दो दो मन के डायलॉग्स किसको मार रहे? यार दोस्त से फोन पे बात कर रहा था, लड़का है। अच्छा वो सुनो, वो मैंने ना किचन में एक पार्सल रखा हुआ है, वो मिली मंगवाई थी वो ले। सॉरी भाई, आज मेरी दावत है कुतुब महल में।